आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेट्रोजोल लेने के बाद में ओवुलेशन कब होता है और हमको रिलेशन कब बनाना है। हम कैसे पता करें कि लेट्रोजोल टैबलेट लेने के बाद में हमारा ओवुलेशन कब रहेगा, इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो हम बात करते हैं कि लेट्रोजोल टेबलेट डॉक्टर आपको देते क्यों है। तो ये लेट्रोजोल टेबलेट जो है हम जल्दी कंसीव कराने के लिए देते हैं कि जिन लोगों को नेचुरली कंसीव नहीं हो पा रहा है तो उसको हम आर्टिफिशियल तरीके से कंसीव कराते हैं। इसको हम पीरियड के सेकेंड डे से, थर्ड डे से या फिफ्थ डे से देते हैं। ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से दिन पर देना है और कितनी मात्रा में देना है। जैसे कि आपके डॉक्टर ने आपकी जो लेट्रोजोल है पीरियड के दूसरे दिन से दे दी और डॉक्टर ने बोला है कि जैसे ही लेट्रोजोल टेबलेट ख़त्म होती है पीरियड के सेवन्थ डे से आपको कॉन्टेक्ट में आना है। इस दौरान आप ये पता करने के लिए कि मेरा ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके लिए आप ओवुलेशन टेस्ट कार्ड की मदद ले सकते हैं, जो कि सेम टू सेम प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे ही रहते हैं, सेम करने का तरीका भी वही रहता है। जब भी हमारा ओवुलेशन टेस्ट पॉजिटिव आता है यानी कि उसमें दो लाइनें आती है, उस दिन हमको संबंध बनाना रहता है। तो आपको जैसे ही लेट्रोजोल टेबलेट ख़त्म होती है पीरियड के सातवें दिन, नौवें दिन, दसवें दिन आपको टेस्ट कर करके देखना है और जिस दिन उसमें दो लाइनें दिखती है आपको संबंध बनाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट चल रहा है लेट्रोजोल का यानी कि पहली बार ही आप ले रहे हैं, तो आपको जैसे ही लेट्रोजोल ख़त्म होती है, जैसे कि पीरियड के सातवें दिन ख़त्म हो जाएगी अगर सेकेंड डे से आपके डॉक्टर ने दे रखी है, तो आपको पीरियड के सातवें दिन भी रिलेशन बनाना है, फिर आठवें दिन नहीं बनाना है, नौवें दिन बनाना है, फिर ग्यारहवें दिन बनाना है, फिर तेरहवें दिन बनाना है, फिर आपका पंद्रहवें दिन बनाना है, सत्रहवें दिन और अठारहवें दिन तक आपको रिलेशन में रहना। पीरियड के 18 दिन के बाद में फिर आपको रिलेशन नहीं बनाना है, क्योंकि लेट्रोजोल टेबलेट लेने से या तो एक दो दिन पहले हमारा ओवुलेशन हो जाता है या फिर फिक्स टाइम पे जैसे 11 दिन, 14 दिन या फिर 16 दिन पे फिक्स हमारा ओवुलेशन होता है। तो आपको पीरियड के 18वें दिन के बाद एक भी बार कॉन्टेक्ट में नहीं आना है। अब यहाँ पे लोगों का ये सवाल आता है कि मैडम लेट्रोजोल टेबलेट हमने ले ली तो क्या 100% हमारा ओवुलेशन होगा ही या कई बार नहीं भी हो पाता है? तो अगर आपकी वो जो PCOD नहीं है, PCOS नहीं है, सिंपल सिस्ट नहीं है, ओवरी में किसी भी तरह का कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है, बच्चा जाने भी बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ओवुलेशन होता ही है, डेफिनेटली होता ही है। पर बहुत सारे केसेस में ओवरी में गांठ होने की वजह से, चाहे वो पानी की गांठ है क्यों ना हो, उन गांठों की वजह से ओवरी अच्छे से वर्क नहीं करती है और एक रिलीज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको ये बात जानना या ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे केस में ओवुलेशन हो भी रहा या नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हम बिना सोनोग्राफी करवाए या बिना जांचे करवाए हम दे देते कि चलो ठीक है 2-3 महीने इसे ट्राई करके देखो, नहीं होगा तो फिर अपन आगे के टेस्ट करवा दें। पर पेशेंट ये कंप्लेंट करता है, मैडम लेट्रोजोल ली इस बार भी पर मुझे कंसीव नहीं हुआ, फिर पीरियड आ गया, तो ऐसा क्या कारण हो सकता है? तो सबसे मेन कारण यही हो सकता है कि या तो आपका ओवुलेशन नहीं हुआ इस महीने, या ओवुलेशन हुआ तो आप उस दरमियान कॉन्टेक्ट में नहीं आए जब आपको साथ में रहना चाहिए था। ये दो सबसे मुख्य कारण रहते हैं। कई बार एंडोमेट्रियम की लाइनिंग यानी कि ईटी अच्छे से नहीं बनती है, जिसके कारण हमारा कंसीव होने का जो चांस रहता है वो फेल हो जाता है। मतलब कि हमारा एक स्पर्म मिला, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद में जो फर्टिलाइजेशन हुआ जायगोट हमारे यूट्रस में आके इम्प्लांट होने के लिए आता है, और अगर यूट्रस की में कोई ख़राबी आ रही है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बराबर नहीं बन पा रही है, तो वो बच्चा नहीं चिपक पाता है और फिर टाइम पे पीरियड आ जाता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जनरली एक सोनोग्राफी करवाना ज़रूरी है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिकनेस कितनी है। तो कई बार एक एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बराबर नहीं बनने की वजह से भी हमें कंसीव नहीं हो सकता है। तो अगर आपके केसेस में भी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में हम कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन पेशेंट को प्रेफर करते हैं। पहले हमारी यूट्रस को मजबूत करते हैं, लाइनिंग ठीक करते हैं, ओवुलेशन बराबर टाइम पे हो, उसके बाद में फिर हम पेशेंट को कंसीव कराते हैं। तो लेट्रोजोल लेने के बाद में 95% चांस रहता है कि ओवुलेशन होता ही है, पर कुछ केसेस ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं जिनमें PCOD, PCOS हो गया,
उन केसेस में ओवुलेशन नहीं हो पाता है, तो फिर पेशेंट को गर्भधारण में नहीं हो पाता है। तो जैसे ही हमारी लेट्रोजोल टेबलेट खत्म होती है, उसके तुरंत बाद आपको एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी कि अल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाना है पीरियड के 18वें दिन तक। उन दिनों में जब भी ओवुलेशन होएगा तो हमारा स्पर्म अंदर ही रहता है। स्पर्म की जो लाइफ है ज़्यादा रहती है, एक की लाइफ 12 से 24 घंटे रहती है, कभी कभी 36 घंटे भी चला जाता है, जिसका बहुत अच्छी क्वालिटी है। पर आजकल इतना केमिकल हम लोग खा रहे हैं, तो स्पर्म की एक की सबकी क्वालिटी ख़राब हो रही, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही, मेंसेस प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इन सभी प्रॉब्लम को हमें ठीक करना चाहिए, और पीरियड के 18वें दिन तक आपको रिलेशन मेंटेन करना है, उसके बाद नहीं करना है। फिर हमें वेट करना चाहिए कि हमारा पीरियड आ रहा है कि पीरियड मिस हो रहा है। अगर पीरियड मिस हो रहा है तो ये बहुत खुशी वाली बात है कि भगवान करे आपका पॉजिटिव आ जाए, बट अगर नहीं आ पाता है तो फिर एक जो नॉर्मल प्रोसीजर रहती है, हमें फोलिकुलर स्टडी करवाना है, हमें एलएच टेस्ट करना है, यानी कि हमारा ओवुलेशन टेस्ट स्ट्रिप से टेस्ट करना है, जिससे कि हम ये पता लगा पाए कि ओवुलेशन कब हो रहा है। मान लो अगर ओवुलेशन हो गया और उसी दिन हम कॉन्टेक्ट में आ गए, तो एक बार सेक्स करने से भी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद लिए 10 बार 25 बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दे पाई हूँ कि लेट्रोजोल लेने के बाद में हमारा ओवुलेशन कब होता है। धन्यवाद।